नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एग्जाम गुरु एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे यूपी स्पेशल यानी कि उत्तर प्रदेश से संबंधित विशेष तथ्यों पे। तो देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, जैसे कि यूपी पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी, शिक्षक भर्ती परीक्षा, यूपी पीसीएल और लेखपाल, तो आपको जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित सभी फैक्ट पता होने चाहिए। तो सभी परीक्षाओं में लगभग 1 से 5 प्रश्न या फिर कभी कभी इससे ज़्यादा भी प्रश्न जो है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा और राज्यसभा सीटें कितनी हैं, या फिर उत्तर प्रदेश में विधानसभा और विधान परिषद की कितनी सीटें हैं, और उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, या फिर उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों से लगती हैं। तो इस प्रकार के कई ऐसे फैक्ट हैं इस वीडियो में जो आपको कम से कम 1 से 5 नंबर दिलाने में मदद करेंगे। तो आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित कौन कौन से विशेष फैक्ट हैं जो कि आपके आगामी सभी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। इस चैनल से डेली करंट अफेयर्स और जीएस का ऑटोमेटिक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन पर प्रेस करना मत भूलिए, और वीडियो को देखने बाद इसको लाइक करके इसके लिंक को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी इस वीडियो को देख के इससे लाभान्वित हो सकें। तो आइए चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित विशेष तथ्यों पे। पहला तथ्य है, उत्तर प्रदेश जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो आपको यहाँ पे अंतर याद रखना है। देखिए, अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। अगर जनसंख्या के बारे में पूछा जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश जो है इसी के साथ ही जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य बन जाता है। और साथ ही साथ आपको एक और एडिशनल चीज़ याद रखनी है जो आपको 1 नंबर एग्जाम में दिलाएगी। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है भारत का राजस्थान, और दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, और चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश है, पांचवें नंबर पे जम्मू कश्मीर है। तो कभी कभी आपको एक प्रश्न जो है वो अरेंज करने के लिए एग्जाम में दे देता है कि निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रफल के आकार के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। तो आप याद रखिएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, और दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश है, और पांचवें नंबर पे जम्मू कश्मीर है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और इसको हम नवाबों के शहर के नाम से भी जानते हैं और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और इसको हम नवाबों का शहर भी कहते हैं, और लखनऊ जो है ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है कि लखनऊ जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और ये गोमती नदी के किनारे बसी हुई है, और इसको हम नवाबों के शहर के नाम से भी जानते हैं। और उत्तर प्रदेश की राजभाषा है हिंदी, तथा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है उर्दू। तो आप याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश की राजभाषा हिंदी है और उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है उर्दू। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पे बारहसिंगा का फोटो भी लगा दिया है, जिन्होंने कभी बारहसिंगा नहीं देखा है वो देख लें। तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है, और उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस या क्राउंच। तो देखिए, जिन लोगों ने कभी सारस या क्राउंच नहीं देखा है वो देख लें। तो देखिए, आपको यहाँ पे याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस या क्राउंच है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलाश, तथा उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है मछली एवं तीर कमान। तो आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं दोनों का। तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलाश, और उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है मछली एवं तीर कमान। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पेड़ है अशोक, जो कि कुछ इस प्रकार दिखता है। देखिए, अशोक का पेड़ आपने देखा भी होगा, तो आपको आसानी से याद हो जाए इसलिए मैंने यहाँ पे डायग्राम भी इंक्लूड कर दिया है। तो आप याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पेड़ है अशोक, और उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस है 24 जनवरी 1950, और ये लगभग बार बार जो है यूपी पीसीएस के एग्जाम में रिपीट कर देता है। तो आप याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस है 24 जनवरी 1950। और उत्तर प्रदेश में संभागों या मंडलों की संख्या 18 है तथा जिलों की संख्या 75 है। तो आप याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में संभागों या मंडलों की संख्या 18 है तथा जिलों की संख्या 75 है। और उत्तर प्रदेश का विधानमंडल द्विसदनात्मक है, यानी कि इसमें 2 सदन हैं, और ये सदन है लोअर हाउस और अपर हाउस, यानी कि निम्न सदन और उच्च सदन। तो देखिए, जो लोअर हाउस है उसको हम कहते हैं विधानसभा, या और उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सदस्यों की संख्या है 403+1, यानी कि टोटल
404 सदस्य हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। तो देखिए 403 जो है ये चुन के आते हैं और एक जो है मनोनीत होता है। तो आप याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या 403 प्लस एक है, यानी कि 404 है। और यहाँ पे देखिए आपको एक चीज़ और फोकस करना है कि जो 403 सदस्य होते हैं ये चुन कर आते हैं और जो एक सदस्य होता है वो मनोनीत होता है। जो उत्तर प्रदेश की विधानमंडल का उच्च सदन है यानी कि अपर हाउस है, इसको हम कहते हैं विधान परिषद, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100 है। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100 है और उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या 80 है तथा उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31 है। तो देखिए वनडे एग्जाम जो है उत्तर प्रदेश के, जैसे कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, यूपी पुलिस और उत्तर प्रदेश का कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं बचा है जिसमें ये सब पूछा ना गया हो। तो आप याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100 है, लोकसभा सदस्यों की संख्या 80 है तथा राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31 है। और एक और सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है कि उत्तर प्रदेश में स्थित इलाहाबाद उच्च न्यायालय, जिसकी एक खंडपीठ लखनऊ में स्थित है, ये एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। तो देखिए जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होता है। तो आप याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में स्थित इलाहाबाद उच्च न्यायालय, जिसकी एक खंडपीठ लखनऊ में स्थित है, ये एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। अब हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से संबंधित कई प्रश्न एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 19,98,12,341 है। तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 19,98,12,341 है। देखिए कभी कभी एग्जामिनर आपको परेशान करने के लिए इसको डेसिमल में दे देता है, यानी कि ये पूरा आंकड़ा नहीं देता, इसको दशमलव में कन्वर्ट कर देता है। आपको वहाँ पे एग्जाम में देखने को मिलेगा 19.98 करोड़। तो आपको अगर 19.98 करोड़ मिले तो इस पर टिक कर दीजिए, या फिर आपको अगर आपको पूरा आंकड़ा मिलता है 19,98,12,341 का तो इस पर टिक कर दीजिए। तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा, आपको याद रखना हमेशा कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 19,98,12,341 है और आपको कहीं कहीं दशमलव में लिखा मिल जाएगा 19.98 करोड़। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में स्त्री और पुरुष की जनसंख्या कितनी है। देखिए उत्तर प्रदेश में स्त्रियों की जनसंख्या है 9,53,31,831 और उत्तर प्रदेश में पुरुष जनसंख्या है 10,44,80,510। तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में स्त्री की जनसंख्या है 9,53,31,831 और पुरुषों की जनसंख्या है 10,44,80,510। देखिए उत्तर प्रदेश के सभी परीक्षाओं में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में साक्षरता कितने प्रतिशत है। तो देखिए भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता है 67.7%, यानी कि 67.7%, और उत्तर प्रदेश में स्त्री साक्षरता है 57.2%, यानी कि 57.2%, और पुरुष साक्षरता है 77.3%, यानी कि 77.3%। तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में टोटल साक्षरता है 67.7% और उत्तर प्रदेश में जो स्त्री साक्षरता है यह 57.2% और पुरुष साक्षरता है 77.3%। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको याद कैसे किया जाए। तो देखिए उत्तर प्रदेश की साक्षरता है 67.7%, अगर आप इसमें जो है 10 माइनस कर दीजिए तो आपको 57 मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पे स्त्री साक्षरता प्राप्त हो जाएगी। और अगर आप इसमें जो है 10 प्लस कर देंगे तो आपको जो है पुरुष साक्षरता मिल जाएगी, यानी कि 67 में 10 प्लस करेंगे तो 77 मिल जाएगा और उत्तर प्रदेश की पुरुष साक्षरता 77.3% है। तो आपको बस लास्ट का जो डिजिट है इसको देखना है, ठीक है। बाकी आपको जो है इसमें 10 प्लस करने पे और 10 माइनस करने पे जो है स्त्री और पुरुष साक्षरता मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ दिमाग में तो बैठ ही गया होगा कि जो स्त्री साक्षरता है वो उत्तर प्रदेश में कम है पुरुषों की अपेक्षा, तो आप जो है ऐसे ही प्लस और माइनस करके उत्तर प्रदेश की साक्षरता याद कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में स्त्री साक्षरता कितने प्रतिशत है और पुरुष साक्षरता कितने प्रतिशत है। तो आप याद रखिए 67, 57 और 77। और उत्तर प्रदेश की एक और खास बात है कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जिलों वाला राज्य है। तो आप याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जिलों वाला राज्य है और उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या है 75।
और उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला जो है ये एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं चार प्रदेशों को छूती हैं। तो देखिए यूपीपीएससी के समीक्षा अधिकारी में और यूपीपीएससी के हायर और लोअर सबॉर्डिनेट में कई बार पूछी गई हैं। तो आप याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमाएँ चार प्रदेशों को छूती हैं। और उत्तर प्रदेश में अनेक नदियाँ, इनमें गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती, चंबल और सोन मुख्य हैं। तथा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, और इसके बारे में भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्यों पे। देखिए उत्तर प्रदेश के टोटल 9 पड़ोसी राज्य हैं, और ये राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। और आप इनको चाहें तो मैप में भी लोकेट कर सकते हैं। देखिए आपका उत्तराखंड यहाँ पे लोकेटेड है, हिमाचल प्रदेश यहाँ पे लोकेटेड है, हरियाणा जो है यहाँ पे लोकेटेड है, दिल्ली जो है यहाँ पे एक आपको छोटा सा पॉइंट दिख रहा होगा लोकेटेड है, और राजस्थान जो है यहाँ पे लोकेटेड है, मध्य प्रदेश जो है ये यहाँ पे लोकेटेड है, छत्तीसगढ़ जो है यहाँ पे लोकेटेड है, और झारखंड जो है यहाँ पे लोकेटेड है, और बिहार जो है यहाँ पे लोकेटेड है। तो आपने जान लिया कि उत्तर प्रदेश के टोटल 9 पड़ोसी राज्य हैं और आपने उनको मैप में भी लोकेट कर लिया। और एक और खास बात है कि उत्तर प्रदेश की एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो कि नेपाल से लगती है। और अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। देखिए हिमाचल प्रदेश जो है इसकी बहुत थोड़ी सी सीमा जो है ये उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, तो कभी कभी किसी एग्जाम में जो है इसको काउंट नहीं करते हैं और वो ऑप्शन में जो है 8 ही दे देते हैं। तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा, अगर आपको ऑप्शन में 9 दिखे तो आप टिक करेंगे कि उत्तर प्रदेश के टोटल 9 पड़ोसी राज्य हैं, अगर 9 नहीं मिलता है ऑप्शन में तो आप जो है 8 पे टिक करेंगे। तो यूपी स्पेशल का ये वीडियो ही समाप्त होता है। मैं आपके लिए और भी ऐसे ही वीडियोस बनाते रहूँगा, आपका काम है बस वीडियो को लाइक करते रहना और इसके लिंक को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करते रहना। तो आप जो है वीडियो को लाइक करते रहिए और इसके लिंक को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करते रहिए ताकि और लोग भी इस लिंक के माध्यम से इस वीडियो को देखें और इससे लाभान्वित हों। तो इसी के साथ आपके सभी आगामी परीक्षाओं के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।